फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू नो हनी सिंह, 58 मिलियन व्यूज हो चुके हैं आपके गाने फर्स्ट किस को। किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है थ्रू आउट द शूट? थ्रू आउट द शूट वॉइस क्रैक कर रही है बाबा, जोया वॉइस इज क्रैकिंग. कैन यू हियर मी नाउ? जी अब ठीक है. एक बार दोबारा क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो तो सुपर डुपर हिट हो ही चुका है, 58 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस थ्रू आउट कैसा रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ? बहुत मज़ेदार रहा, और जैसा कि सारे फैंस को पता है और एक्चुअली इंडस्ट्री में भी कई लोगों को पता है कि एक अच्छा विजुअल बनाने में, एक अच्छा वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी महीनों की मेहनत लगती है. और इस गाने को भी हम लोग जनवरी से प्लान कर रहे थे, फिर कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, फिर अनलॉक हुआ, फिर अनलॉक हुआ, फिर थर्ड अनलॉक पे हमने इसको शूट किया. अब लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा. ओके, इप्सिता का डेब्यू प्रोजेक्ट है ये, उसके साथ आपका जो ये कोलैबोरेशन हुआ, ये कैसे हुआ? इफ यू लाइक टू टेल अस अबाउट दैट। मेरी मैम क्रिएटिव टीम है और उसमें वो लोग 24/7 अलग अलग तरह के आर्टिस्ट हिंदी, इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेजेस में रिसर्च करते रहते हैं, और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं. तो हम लोग जितने भी नए आर्टिस्ट हैं, अब मैंने अभी 4-5 महीने पहले एक आर्टिस्ट लॉन्च किया था, सिंगस्टा, वो भी मेरी टीम ने 2017 में उसको ढूंढा और मेरी टीम ने बोला कि इसके साथ आपको कोलैब करना चाहिए, इसे साइन करना चाहिए. फिर हमने सिंगस्टा को 2018 में साइन किया और फिर हमने उसको मखणा गाने में लॉन्च किया, फिर अभी प्रॉपरली उसको मेन स्ट्रीम हमने बिलो तुअग में लॉन्च किया. सो ऐसे ही बिल्कुल मेरी टीम ने इप्सिता को ढूंढा, और इप्सिता पहले सिर्फ अंग्रेजी में गाने, कवर गाने गाती थी यूट्यूब पे. तो जब मैंने वो देखे गाने तो मुझे लगा कि ये ट्रेंड वोकलिस्ट है, कोई आम सिंगर नहीं है, जो इतना स्मूथ ये गा रही है जिस तरीके से, विच इज वेरी टफ. सो फिर हमने इप्सिता को कनेक्ट किया. फिर दोबारा जब मैंने पहली बार इप्सिता को सुना, उसके बाद मेरे दिमाग में बैठ गई थी उसकी आवाज, फिर इधर उधर होगी कहानी. फिर दोबारा 3-4 महीने बाद मेरे दोस्त ने मुझे भेजे कुछ लिंक्स, वो भी इप्सिता के थे. फिर मैं कहा नाउ इट्स अ टाइम, लेट्स कनेक्ट हर. फिर हमने इप्सिता को कनेक्ट किया, मिले, फिर गाना लिखा गया, गाना गाया, शूट हुआ और आपके सामने है. आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है इप्सिता के साथ, लाइक थ्रू आउट द शूट कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत मजेदार है और बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत हार्डवर्किंग लड़की है, और म्यूजिक को बहुत अच्छा समझती है क्योंकि ट्रेन है म्यूजिक में. तो उसके लिए इतना कमर्शियल गाना गाना बहुत सिंपल था, लेकिन फिर भी उसने 2 बारी डब किया इस गाने को अपना बेस्ट देने के लिए, क्योंकि शी इज वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेंड. तो उसके लिए सिंपल सा गाना फर्स्ट किस इज नथिंग, जस्ट लाइक पीनट्स, बट फिर भी उसने बहुत हार्ड वर्क किया और इस गाने को उसने 2 बारी गाया. और उसने मुझसे बार बार पूछा कि सर आप बताओ कुछ लाइन, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ गलत तो नहीं है, कुछ मतलब वीक तो नहीं लग रहे. तो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत आगे तक जाएंगे, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने इप्सिता को लॉन्च किया. जैसे कि आपने कहा कि अनलॉक 3 के बाद आपने लाइक शूटिंग की शुरुआत की, क्या कुछ आपने प्रिकॉशन लिया था और कुछ डिफिकल्टीज हुई? बिकॉज काफी कुछ अनलॉक 3 के बाद भी काफी कुछ क्लॉज थे कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो शूट में कुछ डिफिकल्टीज हुई थी? बिल्कुल मैम, मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे जितने भी वीडियोस हों सब लार्जर देन लाइफ हों और बड़े हों, और इतने बड़े बड़े वीडियोस को शूट करने के लिए 200-300 लोग चाहिए होते हैं क्रू में. तो लेकिन जब अनलॉक था तो हम यही सोच रहे थे कि हम इतना क्रू तो ला नहीं सकते, तो क्या करेंगे. देन वी प्लेड स्मार्टली एंड वी डिसाइडेड कि हम VFX में इस गाने को पुल अप करेंगे प्रॉपरली, और इसको मिनिमम टू मिनिमम क्रू में, आई थिंक 40-50 लोगों में हमने प्रिकॉशन लेते हुए इसको शूट किया. और गाना शूट हुआ है मुझे लगता है 50%, और 50% जो VFX ने और कलरिंग ने गाने को लिफ्ट किया है, कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट था. तो आई थिंक वी प्लेड वेरी स्मार्टली कि हमने कम क्रू में शूट किया और हमने सारा वीडियो VFX के सर पे डाल दिया कि VFX ही उठाएगा इस गाने को और बड़ा दिखाएगा. बट कहीं ना कहीं ये डर था कि VFX डालने के बाद क्या फैंस को पसंद आएगा, बिकॉज हमने आपके पहले भी गाने देखे हैं
लोकेशन इतनी प्यारी होती है, लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल होती है, तो कहीं ना कहीं आपको डर था कि क्या ये VFX से जो आप खेल रहे हैं वो ऑडियंस को पसंद आएगी? हाँ डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क था ये एक्चुअली में, क्योंकि और क्या चीजें थी कि VFX पहले बॉम्बे से होना था किसी कंपनी से, और दे वर आस्किंग फॉर 4 months ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन. फिर फाइनली हमने वृंदा जी हैं दिल्ली में, उनका स्टूडियो है एंड शी डिड द होल VFX इन जस्ट 2 months. और बहुत था, ये तो था कि यार पता नहीं VFX के सर पे कभी कोई गाना छोड़ा नहीं. हम लोगों ने 90% गाना खुद किया है, शूट पे बड़ा किया है, उसमें हमने जी सब कुछ खुद किया है, और हम पोस्ट प्रोडक्शन में सिर्फ एडिटिंग और कलरिंग पे छोड़ते थे, विच इज जस्ट 10%. बट यहाँ वीडियो 50%, 50% गेम पे था. तो फाइनली बिग शाउट आउट टू वृंदा जी जिन्होंने VFX किए कमाल के. और इनफैक्ट शूटिंग के दौरान हमसे काफी गलतियां भी हुई, कि VFX के अकॉर्डिंग हमसे काफी गलतियां हुई, काफी मार्किंग्स होती हैं VFX में, वो ढंग से जी नहीं ले गई, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा VFX किया एंड एवरीबॉडी इज लाइकिंग इट. ओके शूटिंग की बात की करते हैं। शूटिंग में क्या कुछ मस्ती और क्या कुछ फन हुआ है अगर आप बताना चाहें तो? सब फन था, और क्योंकि मेरी जो कोरियोग्राफी टीम है अतुल, जो ब्लू आईज से मेरे साथ है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाले गाने से मेरे साथ है, उससे पहले से मेरे साथ है, तो उनकी पूरी टीम इट्स लाइक फैमिली टू मी. इप्सिता इज वेरी कूल, डायरेक्टर इज वेरी कूल, माय माय क्रिएटिव डायरेक्टर मिहिर गुलाटी इज वेरी कूल. तो मेरे जर्नली शूट पे यही होता है कि मैं पार्टी सी नहीं रखता हूँ, कि किसी को कोई स्ट्रेस ना लगे, क्योंकि आई वांट कि एवरीबॉडी हु इज गोना बी देयर इन माय कैनवास इन माय वीडियो दे शुड लुक हैप्पी. तो कोशिश यही यस रहती है कि सब सब मस्ती करें, सब कैनवास में दिखें, सब कैमरा में दिखें, तो खुश दिखें. तो इट वाज लाइक अ फेस्टिवल. यू यू मस्ट आस्क इप्सिता कि उसको, उसके लिए नया था, हम लोगों के लिए तो कई साल हो गए ये करते हुए. और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कहीं पे भी शूट करूं, मेरा क्रू और मेरी कास्ट ये दोनों बहुत खुश रहे, तो वो फाइनली बहुत वाह मजे थे. ओके यो यो हनी सिंह, आफ्टर अ ब्रेक आप अभी कमबैक किए हैं, कहीं ना कहीं आपको ये डर था कि आपके कमबैक के बाद कहीं आपके ऑडियंस जो है वो टूट ना गए हो, ऐसा कुछ डर था आपको जब आपने कमबैक किया था? नहीं एक्चुअली मैंने मैम 2.5 साल काम नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन मैं कहीं भी जाता था उस दौरान, किसी लाउंज में, किसी क्लब में, या गाड़ी में रेडियो पे, तो मेरे पुराने गाने बज रहे होते थे. तो मुझे था कि यार मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, मैं लोगों के बीच में ही हूँ अभी भी, और मेरे गाने उस टाइम पे इतने फ्यूचरिस्टिक थे तो आज भी लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं. तो लाइफ में एक्चुअली में मैं कभी किसी भी चीज से डरा नहीं, कभी भी किसी चीज से इनसिक्योर नहीं हुआ. और अगर अगर मेरे फैन मुझे भूल भी जाते तो मैं अगेन मेहनत करता कि वो मुझे उसी तरह प्यार करें जिस तरह मुझे मेरे डेब्यू सॉन्ग्स के साथ प्यार किया था. तो आई थिंक डरने वाला सीन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि फैंस का प्यार मिलता रहता था, सोशल मीडिया एक्टिव है, आपको रियलिटी चेक हो जाता है कि आपको कितने लोग एक्चुअली में प्यार कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं. तो बड़ा मजा था, और स्लोली स्लोली मैं यही चाहता था कि कमबैक कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक बार ही कमबैक हो गया तो हो गया. कमबैक इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टू टू एंड हाफ. अगर आप 2-2.5 साल गायब हो तो आपको कमबैक करने में 2-2.5 साल लगेंगे. धीरे धीरे आपकी हर तरह की ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, ब्लू आईज है, जी चार बॉटल वोडका की ऑडियंस है, लुंगी डांस की ऑडियंस है, तो आपके पास हर एज की ऑडियंस है. तो आप हर एज की ऑडियंस को कैटर यस करने के लिए आपको 2.5-3 साल चाहिए. तो वी आई स्टार्टेड विद मखणा इन 2018 एंड दिस इज 2020 एंड वी आर विद फर्स्ट किस, और आई थिंक ये चौथा वीडियो है और लोग पसंद कर रहे हैं. अभी बहुत कुछ आएगा, लोगों को ये पता लगेगा कि ये तो कहीं गया ही नहीं था. यो यानी सिंह, आप जो भी वीडियो निकालते हैं हमेशा सुपर डुपर हिट रहता है, हमेशा नंबर 1 ट्रेंडिंग पर ही बनाया रहता है, ऐसा क्या आपको लगता है कि आप सॉन्ग आपका ट्रेंड पे गया हुआ है? मुझे मैम ऐसा लगता है कि ना, अगर आप, बड़ी क्लीशे लाइन है लेकिन ये सच है एक्चुअली में, कि अगर आप दिल से काम करो ना कोई भी चीज को, इफ यू ट्राई टू एक्सेल द एक्सेलेंसी, अगर आप उसको अंदर ज्यादा दिमाग, आर्टिस्टिक लाइन में अगर आप उसमें ज्यादा दिमाग लगाएं, ज्यादा सूझबूझ लगाएं, ज्यादा प्लानिंग लगाएं, तो वो चीज ज्यादा काम करती नहीं है.
तो अगर आप अपनी दिल की सुने, आप फ्लो के साथ जाएं, अपने में एक आर्टिस्ट को, सारे मेरे बहन भाई जो बाकी आर्टिस्ट हैं जो नए हैं, उनको भी यही सजेशन है मेरी, जितना मेरी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं शेयर करना चाहूंगा कि सिर्फ दिल की सुने और दिमाग की ना सुने एज एन आर्टिस्ट, तो सब कुछ ट्रेंडिंग पे जाएगा, सब लोग पसंद करेंगे, क्योंकि जितना आप गणित लगाएंगे ना संगीत में, वो गणित काम नहीं आता. जस्ट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर वाइब. जब भी आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं कि ये मुझे ये गाना बनाना है, ये रैप करना है, कुछ रिसर्च और कुछ एनालिसिस आप करते हैं, क्योंकि हमेशा आपका गाना जो है वो ऑडियंस को कनेक्ट कर पाता है और रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट करते हैं, तो कुछ आप ऐसे रिसर्च या वर्कशॉप करते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट? वर्कशॉप मैम यही रहती है मेरी थ्रू आउट, कि मैं स्टूडियो में भी टाइम स्पेंड करता हूँ. मेरी टीम में ना एक्चुअली मैक्सिमम 25 साल की उम्र तक बच्चे हैं. 18 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र से लेके 25 26 साल की उम्र तक के मेरे टीम में बच्चे हैं, जिसमें सिंगस्टा है, होमी दिल्ली वाला, लिल गोलू, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नए लड़के हैं, और मैं जितने भी नए आर्टिस्ट हैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ. तो क्या होता है कि आप यूथ के साथ जुड़े हैं तो आपको स्लैंग्स पता चलते हैं कि आज के दौर में क्या स्लैंग्स हैं, आज के दौर में क्या फैशन है, आज के दौर में लड़कियां क्या पसंद करती हैं, वर्ड्स और लिरिक्स और बातें लड़के क्या पसंद करते हैं. तो अगर आप उससे कनेक्टेड रहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है गाना लिखना. अगर आप उन लोगों से अपने आप को दूर कर लेंगे, आप सोचेंगे कि हाँ आज मेरी 37 साल उम्र हो गई है तो मुझे सिर्फ स्टूडियो में बैठना चाहिए, मुझे नए लड़के लड़कियों के साथ चिल आउट नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस दौर से पीछे हो जाएंगे. तो आई जस्ट प्ले टू यंग विद द यंग किड्स इन माय टीम एंड आई चिल आउट इवन इन आई एम इन बॉम्बे या दिल्ली. आई प्रेफर टू स्टे इन दिल्ली और स्ट्रीट फूड और स्ट्रीट्स में पुराने दोस्तों से मिलना. तो ये आई थिंक ये एक थ्रू आउट मुझे लगता है कि पैसिफिक पैसिफिक मेरा रिसर्च चलता रहता है और वाइबिंग चलती रहती है, जो मुझे लगता है बहुत काम आती है गाना लिखने में. पैसिव आपने एक ट्रेंड चालू किया था जिसके बाद ऐसे कई सारे यंगस्टर्स, ऐसे कई सारे लोग हैं जो काफी इंस्पायर्ड हुए हैं और आप ही के नक्शे कदम में चलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, जो लोग आप जैसा बनना चाहते हैं? मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि बच्चे और सब कुछ ऐसा चाहते हैं जो मैंने कभी किया अपने करियर में. तो उनको अगेन वही वही सलाह है मेरी कि जो दिल में आता है ना सिर्फ वो करो. मुझे लगता है कि और किसी की भी मत सुनो, और चाहे कोई कोई भी हो. आई थिंक जो आर्टिस्ट नहीं है, एक आर्टिस्ट आप खुद हो, और अगर आपका कोई आर्टिस्ट दोस्त है या आर्टिस्ट सहेली है, उसको उसको गाने सुनाओ, उसके रिव्यूज लो, बाकी और किसी के मत लो, अपने दिल की सुनो और जस्ट स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स, स्टे कनेक्टेड टू योर ऑडियंस. क्योंकि अगर आप ऑडियंस में ही घूमते फिरते रहेंगे तो आप उनके लिए अच्छी तरह गाने लिख पाएंगे और आसानी से लिख पाएंगे.